एयरपोर्ट आंदोलन नामांतरण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले रिपाई के जिलाध्यक्ष जगदीश गायकवाड़ साहब हमारे साथ हैं। आपने घोषणा किया था कि अगर दीपा पाटिल साहब का नाम नईम बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं दिया गया तो रक्तरंजित क्रांति होगी। सर, क्या भूमिका रहेगी आपकी, जो आपने घोषणा किया था कि जब तक नाम नहीं मिल जाएगा तब तक आप चुप नहीं बैठे? जब तक नाम नहीं मिलेगा तब तक हम और मेरे सभी साथी कोई चुप बैठेंगे नहीं, हमारा आंदोलन चालू रहेगा। ये जो परिषद है, ये परिषद में विचार मीमांसा करके अब यहाँ अभी हमने शुरू किया है ये आंदोलन। जब तक नाम नहीं मिलता तब तक आंदोलन चालू रहेगा। बीच के दरमियान शांत ऐसा हुआ था कि कोविड जो पैंडेमिक स्थिति बढ़ गई थी, इसके लिए उसको हम लोग लोगों के हित के लिए उन्होंने हम लोग थोड़ा अप एंड डाउन हो गया था, लेकिन ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं, आंदोलन चालू रहेगा। और यह आंदोलन जब तक दीपा पाटिल साहब का नाम नहीं मिलता है तब तक चालू रहेगा। अगर दीपा पाटिल का नाम नहीं मिला तो एयरपोर्ट यहाँ चालू नहीं होएगा। एक चीज़ जो भी 27 गांव प्रकल्प बाधित समिति जो कह रही है कि जो सर्वपक्षीय समन्वय समिति थी उसने जिस तरह का प्रयास किया वो प्रयास काफ़ी नहीं है, इसीलिए अब एयरपोर्ट के लिए या प्रकल्पग्रस्तों के हित के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नए सिरे से 24 जनवरी को काम रोको आंदोलन की तैयारी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई अब ये विकल्प आखिरी बचा हुआ है कि काम बंद नहीं होगा तो ये समाधान नहीं होगा प्रकल्पग्रस्तों की समस्या? 100% काम बंद करना है, 24 तारीख को काम बंद करेंगे और उसमें पहला मैं उड़ी मारूंगा। काम तो बंद होना चाहिए, काम बंद नहीं हुआ तो सिडको सुधरेगी नहीं, और सिडको को सुधरना है तो काम बंद करना है। जिस तरह से सिडको और राज्य सरकार अपनी अड़ियल भूमिका में है कि तमाम मांग शिकायतों और इतने सारे बैठकों के बावजूद भी अभी तक दीपा पाटिल साहब के नाम का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, आप इस भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? सिडको ने 1970 में हमारे ऊपर गोली चलाई है, लाठी चलाई है, हमको कारवास भोगना पड़ा है, और हमको अभी भी सिडको ने ना नौकरी दी है, ना हमारा प्लॉट दिया है, ना 12.5% का हमारा अभी तक फार्मर लोगों का क्लियर किया है। सिडको इतना, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये तालिबान की औलाद ही सिडको है, और ये सिडको को अपन उसके खिलाफ लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। मेरे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक मैं सिडको के खिलाफ लड़ते रहूँगा और लड़ूंगा। अब जब ये 13 तारीख को प्रकल्पग्रस्तों की परिषद हो रही है तो आपको लगता है कि इस बार का जो मुद्दा होगा वो बेहद अहम होगा और एक जुटता भी बढ़ेगी इससे प्रकल्पग्रस्तों में, और यही जो है ताकत बनेगी आगे आने वाले आंदोलन के लिए? 100% जो आप बोल रहे हो सही है, कहेंगे रहेंगे काड़वा बढ़ता रहेगा, दीपा पाटिल का नाम एयरपोर्ट को देना ही पड़ेगा। राज्य सरकार उद्धव ठाकरे की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने अपने पिता का नाम उसमें दिया है, आपको लगता है ये उचित है और इसका समाधान जल्द हो जाना चाहिए? ये तो मैं पहली बार भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर नाम जो आएगा दीपा पाटिल साहब का ही आएगा, और जो उनकी यंत्रणा है, देखो उनके हाथ में सत्ता है तो उनका काम कर रहा है, और उनके पास जब सत्ता जाएगी, सत्ता इधर आएगी तो यह काम करेंगे, लेकिन नाम तो दीपा पाटिल का ही रहेगा। एक अगर आपको संदेश देना हो सिडको और राज्य सरकार को तो आप प्रकल्पग्रस्तों की ओर से क्या संदेश देना चाहते? अगर यह एयरपोर्ट चाहिए तो आपको दीपा पाटिल साहब का ही नाम देना है, नहीं तो एयरपोर्ट यहाँ से उड़ेगा नहीं, ये हमारी प्रकल्पग्रस्तों की मांग है। तो सर, जैसा कि आपने सुना कि रिपाई के जिलाध्यक्ष जगदीश गायकवाड़ जी उनका सीधे तौर पर एक सीधा संदेश है कि अगर नईमबई में एयरपोर्ट चाहिए तो दीपा पाटिल साहब का नाम ही इस एयरपोर्ट पर देना होगा, अन्यथा इसका निर्माण प्रकल्पग्रस्त नहीं होने देंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।